आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज सुनील गौड़ को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो 23 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे। सुनील गौड़ को PMLA कोर्ट का चेयरमैन बनाने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर के जरिए कहा कि उन्होंने 7 महीने पहले चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। उन्होंने निर्णय दिया और रिटायरमेंट से 2 दिन पहले इसे नामंजूर कर दिया। उन्हें 1 हफ्ते बाद PMLA कोर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली। इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? बता दें कि अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जस्टिस गौड़ ने 20 अगस्त को INX मीडिया केस में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि इस मामले में चिदंबरम प्रथम दृष्टया प्रमुख षड्यंत्रकारी लगते हैं और प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि INX मीडिया घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का बेहतरीन उदाहरण है। जस्टिस गौड़ के आदेश के बाद CBI ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। सुनील गौड़ को साल 2008 में हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। गौड़ ने जज के कार्यकाल में कई अहम मामलों पर सुनवाई की, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कथित भूमिका और उनके खिलाफ केस चलाने की इजाजत देने के साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के खिलाफ अगुस्टा वेस्टलैंड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने और जमानत याचिका खारिज करने का फैसला भी है। सुनील गौड़ ने मोइन कुरैशी के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई की थी।